media plays an important role for the common public. What are your thoughts on ways we can take action against Godi media? That's the first. And then another from a related question from Sindhi College. Journalists are the watchdogs of the country. How do we bring about that change in a country where media is hijacked? So that's, I think, sort of one question. And the next question is, there is a ban on student unions in Karnataka for all colleges. As a student of an organization, how can we organize in a more effective way? So if we can, in a short, maybe 6-7 minutes, answer those two questions, then we can move to the next level. First of all, I am not appropriate person to comment on media, because there are many people, those who are teaching media, and you people are trying to become journalists. But as a common citizen, I have also some observations about what is happening in media sector. First of all, media mein jo ho raha hai, usko aapko homogeneous tarike se nahi dekhna chahiye. Media is not just mic, camera, TV. Media is like a very broader concept. Media wo bhi tha, jab raja ke zamane mein, dhol pe peet ke kehte the, suno, suno, suno. That was also part of media. Interpersonal communication, community-wise communication, and using different kind of technology. These all are the part of media. Yes, true. A major section of media, especially dominant by TV, wo aaj ke date mein sarkar ke prati critical nahi hai, aur wo watchdog ki bhumika nahi nibha rahe hain. Ye sirf media ke liye chinta ki baat nahi hai. ये देश के लिए चिंता की बात है, ये डेमोक्रेसी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इंडिपेंडेंट, क्रिटिकल, सेल्फ रिलायंस मीडिया का होना बहुत जरूरी है. अब ये तीनों ही चीज आज के डेट में, स्पेशली टेलीविजन मीडिया के लिए, पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है. जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है तो ऑब्वियसली टेलीविजन चैनल जो है वो टीआरपी और प्रॉफिट पे डिपेंड करेंगे. टीआरपी और बेनिफिट पे जब डिपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट होगा, और गवर्नमेंट जो है एक तरफ कहेगी कि हम रेड टैपिज्म को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया को कंट्रोल करने के लिए रेड टैपिज्म को बढ़ाएगी. मसलन एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं. कहा ना, सब पढ़े सब बढ़े. व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, देर वॉज ए कैंपेन, स्कूल चले हम, सब पढ़े सब बढ़े. और जो है प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इसको प्रमोट किया गया. लेकिन आप जानते हैं, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट के प्रति क्रिटिकल हो जाए, इमीडिएटली उसको कहाँ से कंट्रोल किया जाएगा? उसका परमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा. क्योंकि आपका कॉलेज भरे प्राइवेट है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेना जरूरी है, और यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन जो है वो सरकार के कंट्रोल में है. तो मीडिया को कंट्रोल करने का पावर जो है आज भी गवर्नमेंट के पास है. तो गवर्नमेंट दो तरीके से कंट्रोल करती है, एक परमिशन देने और लेने से, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. अगर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं दे, मेजर एडवर्टाइजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, तो गवर्नमेंट अगर एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर दे तो फिर किसी मीडिया हाउस को सर्वाइव करना मुश्किल होता है. नतीजा क्या होता है, प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए और मीडिया हाउस रन करने के लिए गवर्नमेंट जो कहती है वो करना पड़ता है. अब सवाल ये है कि जो मीडिया हाउसेज इससे पहले, इस रिजीम से पहले गवर्नमेंट के प्रति क्रिटिकल रही हैं, वो कैसे चली हैं? तो यहां पर आता है ओनरशिप का रोल, कि किस तरीके का ओनरशिप रहा है मीडिया हाउस का. अगर ओनरशिप सरकार के प्रति क्रिटिकल है तो वो सरकार से एक लेवल तक फाइट करती है. अगर क्रिटिकल नहीं है, मान लीजिए दोनों एक ही है, तो फिर वो फाइट बंद हो जाता है. मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं और प्रधानमंत्री से मेरी दोस्ती है, और मैं इस देश का 40% मीडिया ओन करता हूं, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछेगा. दिन भर जो है वहां पर भक्ति चलता रहेगा, है? लेकिन इससे नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि इससे डेमोक्रेटिक इथॉस कमजोर होता है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग और उसका डेवलपमेंट वीक होता है, और डेमोक्रेसी का जो एवोल्यूशन प्रोसेस है, जिसमें एक मीडिया का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है,
वो रोल मीडिया प्ले नहीं कर पाती है। और ये सब का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि आज मीडिया से रिपोर्टिंग खत्म हो गई है। पहले रिपोर्टर हुआ करते थे, एडिटर हुआ करते थे, अब एंकर होते हैं। और एंकर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि वो हर चीज के एक्सपर्ट हैं। वो मंगल के भी एक्सपर्ट हैं, चंद्रमा के भी एक्सपर्ट हैं, वो ज्योग्राफी भी जानते हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं, पॉलिटिक्स भी जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि एंकर को एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है, एंकर को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। बढ़िया अंग्रेजी बोल करके, बढ़िया चेहरा पे जो है उसको कहते हैं ना, ज्यादा गोरा दिखने के लिए, ठीक है, वो व्यवस्था करके माइक लेकर के उनको एक्सपर्ट बन जाना है। ये मीडिया के बेसिक करेक्टर को आज मार रहा है। जो रिपोर्टर्स होते हैं एक्चुअली उनको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लाइक यू हैव स्टडीड इन इंग्लिश बट इफ यू विल गेट जॉब एज ए रिपोर्टर इन कर्नाटका यू हैव टू लर्न कन्नड़ा, अदरवाइज यू कैन नॉट डू रिपोर्टिंग। क्योंकि आपको पुलिस से बात करनी है, आपको दुकानदार से बात करना है, आम लोगों से बात करना है। तो जब आप रिपोर्टिंग बेस्ड मीडिया को ज्वाइन करते हैं तो आप मल्टीपल लैंग्वेज सीखते हैं। और आप ये भी ट्रेंड होते हैं कि अगर जा रहे हैं साउथ कर्नाटका के किसी गांव में तो कौन सा कपड़ा पहन करके जाना है। वहां हाथ में सिगरेट डाल करके मॉडर्निटी शो नहीं करनी है, फिर लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे। सो यू लर्न मेनी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक थिंग्स। तो आज रिपोर्टर खत्म हो रहे हैं। जो बचा खुचा रिपोर्टर बचा है उसको क्या फेस करना पड़ता है ये जान लीजिए। हिंदुस्तान की मीडिया को भी यूएस के मॉडल पे लाइक सीएनएन और फॉक्स ये डिवीजन आज किया जा रहा है। देर आर टू काइंड ऑफ पीपल। एक तरह के लोग वो हैं जो रवीश कुमार को बहुत पसंद करते हैं और दूसरे तरह के लोग वो हैं जो नेशन वॉन्ट्स टू नो। सो इन दैट कंडीशन अब एंकर को तो रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है, रिपोर्टर को जाना है माइक लेकर के। माइक के ऊपर टैग लगा हुआ है। अब रिपोर्टिंग देखिए कितना टफ हो जाएगा। मान लीजिए क्योंकि हर तरफ मॉब तैयार किया जा रहा है, यह मत समझिए कि एक तरफ मॉब तैयार किया जा रहा है, हर तरफ ही मॉब तैयार किया जा रहा है। इस बात को समझिए, मॉब कोई एक तरफ नहीं है। तो मान लीजिए कि अपोजिट मॉब में आप फंस गए और आपके माइक के ऊपर रिपब्लिक का लोगो है तो हैकल होंगे ना आप। या फिर आपके माइक के ऊपर एनडीटीवी का लोगो है और आप अपोजिट मॉब में फंस गए तो रिपोर्टर को हैकल होना पड़ेगा ना। इसीलिए आज फियर की वजह से, फियर को एक मॉडस ऑपरेंटी बना दिया गया है। आज रिपोर्टर रिस्क लेकर के रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार नहीं है। और छोटे शहरों में पत्रकारों की रोज हत्या होती है। अब तो छोटे शहरों को छोड़ दीजिए, कल 5 सितंबर था, मैं गौरी लंकेश के मार्टियर डे को अटेंड करके आ रहा हूं, उनकी हत्या तो बेंगलोर में हो गई। कितना टफ है जर्नलिज्म। इसीलिए आज के डेट में मैं किसी को भी एडवेंचरिस्ट होने का सलाह नहीं देता हूं, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि मीडिया इज वेरी ब्रॉड टर्म, लेट्स लुक फॉरवर्ड, लेट्स लुक बिहाइंड द टीवी, लेट्स लुक बिहाइंड द न्यूज पेपर। देर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी टू एस्टेब्लिश अल्टरनेटिव मीडिया। और उस अल्टरनेटिव स्पेस को हम कैसे खड़ा कर सकते हैं उस पर भी हमको सोचने की कोशिश करना चाहिए, जहां इन्वेस्टमेंट का प्रेशर नहीं हो, जहां एंकर की दादागिरी नहीं हो, जहां सरकार की जो है बदमाशी नहीं हो, परमिशन का झंझट नहीं हो, उस स्पेस को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पौरुष दीक्षित है। आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक प्रश्न है। रिक्वेस्ट ये कि सेशन के बाद आपके साथ एक फोटो चाहिए, एक फोटो चाहिए, भूलेगा नहीं, आई नो दैट यू आर अ बिजी पर्सन। प्रश्न मेरा ये है कि आपको नहीं लगता आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके अपनी आइडियोलॉजी, अपनी क्षमता को आपने सीमित कर दिया है? अगर आप जन आंदोलन जारी रखते तो शायद हजारों का नहीं आज पैदा होते, इतनी जल्दी क्यों? मैं ना थोड़ा सा आदमी प्रैग्मेटिक किस्म का हूं। बातें तो आइडियल हो सकती हैं लेकिन उस आइडियल्स को उतारने के लिए आपके पास एपरेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक कि अगर आप किसी को रोटी खिलाना चाहते हैं तो रोटी बनाने का इक्विपमेंट तो होना चाहिए ना। गैस का चूल्हा होना चाहिए, इंडक्शन होना चाहिए, तवा होना चाहिए, चकला होना चाहिए, बेलना होना चाहिए, तभी तो रोटी बनेगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्चुअली जो आज हम देख रहे हैं ये ऐसी ही नहीं थी, इसको समझिए।
और ये ऐसी ही नहीं रहेगी। like, जब कांग्रेस बना था तो वो ऐसी नहीं थी। एओ ह्यूम का कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी का कांग्रेस, जिन्ना का कांग्रेस, गांधी का गोखले का कांग्रेस, गांधी का कांग्रेस, देन नेहरू का कांग्रेस, इंदिरा का कांग्रेस, अब राहुल गांधी का कांग्रेस। तो पार्टी भी सोसाइटी के साथ उसका एवोल्यूशन होता है। पॉइंट वन, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब टाइम बदलता है तो पार्टी को भी अपने रूल्स, प्रोसीजर, नॉर्म्स, आइडियोलॉजी, ये सारी चीजें बदलनी पड़ती है। जो भाजपा आप देख रहे हैं, ये भाजपा भी ऐसी नहीं थी। भाजपा 1980 में बनी है, उससे पहले जो इनकी विचारधारा को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी थी उसको जनसंघ कहा जाता था। अब जनसंघ अभी भी है लेकिन चुनाव नहीं लड़ती है, वो सिर्फ पेपर पे है। और भाजपा भी जब बनी थी तो वहां से लेकर के आज जहां तक भाजपा है उसमें बहुत फर्क आया है, हैं? जैसे सिंबल्स बदल दिए जाते हैं, उसके बाद जो है इशूज बदल दिए जाते हैं। मैं भी एक पार्टी से जुड़ा हूं, ये भी पार्टी जो है आज जैसी ही है, ये हमेशा ऐसी नहीं थी। जब देश में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, सो देन दैट टाइम दिस पार्टी वॉज द सिंगल अपोजिशन पार्टी, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम। अब रही बात कि पॉलिटिकल पार्टी आज मजबूत है, कल कमजोर हो जाए, कल फिर मजबूत हो जाए, वो किन चीजों पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि सोसाइटी के कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं। मेरा ये मानना है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी को आज हम देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एस्टेब्लिश हुए हैं। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आगे बढ़ करके कॉलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन जो है न्यू लिबरलिज्म, हम लोग एक्चुअली पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम में आज आ गए हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियल कहने का मतलब ये है कि नाउ देयर इज नो बिग इंडस्ट्रीज। प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, ह्यूज प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका साइज घट गया है। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं कि आपके क्लासरूम में आपको स्टूडेंट मिल रहे हैं। देयर आर यूनिवर्सिटीज जहां स्टूडेंट हैं ही नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हमारा सोशल नेटवर्किंग है, ऑनलाइन हमको फ्रेंड है। नहीं, एक्चुअल लाइफ में 5 दोस्त नहीं हो, फेसबुक पे 5,000 का लिमिट क्रॉस कर गया है, होता है कि नहीं होता है? सो सोसाइटी इज चेंजिंग वेरी फास्ट, और जब सोसाइटी बदल रही है तो अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल पार्टीज के करेक्टर्स भी बदलेंगे। लाइक जर्मनी में एक पॉलिटिकल पार्टी है ग्रीन पार्टी, अब दूसरी एक पार्टी बनी है जो पूरी तरह से इंटरनेट बेस्ड पार्टी है। उसका कोई ऑफिस नहीं है, उसका कोई मेंबरशिप नहीं होता है, और वो चुनाव लड़ती है ऑनलाइन उसका सब कुछ होता है, और उसको 5% वोट भी आ रहा है। तो पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो है वो सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस पे डिपेंड करता है। जब क्या होगा तब देखेंगे, लेकिन अभी जो है, अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में ही हमको जा करके कोई भी पॉलिटिकल चेंज करना पड़ेगा। लाइक अगर किसी को बचाना है जो पानी में डूब रहा हो तो पानी में उतरना पड़ेगा ना। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है, कम से कम उसमें हमको ये पार्टी ये लगती है कि कोई खड़ा होकर के ये तो नहीं कह देगा ना कि तुम्हारी पार्टी परिवारवादी है, तुमने करप्शन कर दिया है, तुमने 3G कर दिया है, तुमने राफेल का घोटाला कर दिया है। तो कम से कम क्रेडिबिलिटी तो बची रहेगी। और जब वक्त आएगा, सोशल मूवमेंट खड़ा होगा, आपके जैसे शानदार जर्नलिस्ट, बेहतरीन इंजीनियर तैयार होंगे जो सोसाइटी में रैशनल थिंकिंग को आगे लेके जाएंगे, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को आगे लेकर के जाएंगे, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे, और जो हमारे नए तरह के कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुए हैं, लाइक इकोलॉजी का सवाल है, लाइक राइट टू प्राइवेसी है, हैं? अब एक तरफ तो हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बेडरूम में घुस गया है, तो हम राइट टू प्राइवेसी की भी बात करेंगे उसके साथ साथ। हमारा जो डेटा है गवर्नमेंट हमसे पूछे बिना किसी और कंपनी को ना बेच दे, ये नए तरह के सवाल भी पैदा होंगे। तो इन सवालों को कौन एड्रेस करेगा? इन सवालों को हम लोग मिलकर के एड्रेस करेंगे, उसके लिए नए तरह का पॉलिटिकल फॉर्मेशन का जरूरत होगा। तो ये फ्यूचर की बात है। साईफाई मूवी आप लोग देखते होंगे, अभी जो है मंगल पे जो है कॉलोनी बन रही है, तो हम उतना आगे अभी सोचने के लिए तैयार नहीं है। प्रैग्मेटिकली जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है उसका हिस्सा होकर के पॉलिसी फ्रेमवर्क में हम क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं। रही बात जन आंदोलन की, तो जन आंदोलन की संभावना उससे कम नहीं होती है, जन आंदोलन की संभावना उससे बढ़ती है। एक इंडिविजुअल से, कहते हैं ना हिंदी में, एक से भले दो,
तो एक इंडिविजुअल से तो अच्छा है कि कई इंडिविजुअल मिलकर के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी जो प्रैग्मेटिक नहीं होगा, जिसका रेलिवेंस नहीं होगा, वो वक्त के साथ अपने आप खत्म हो जाएगा। तो किसी को खत्म होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्डिंग का हमेशा कोशिश करना चाहिए कि नया निर्माण कैसे किया जा सकता है, उस पर अपना फोकस रखना चाहिए। उस काम में हम लगे हुए हैं। बाकी जो खत्म होना है वो खत्म हो जाएगा, जिसको मरना है वो मर जाएगा, जिसको जन्म लेना है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हम क्या दे करके जा सकते हैं, उसके लिए हम किस तरीके का सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, हमारा फोकस अभी वहाँ पर है।